नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम एग्रीकल्चर इंडिया में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चने के भाव को लेकर बात करने वाले हैं। जैसे किसान भाइयों, चने के भाव में अब हमें यहाँ पर धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, इसका क्या कारण है और हमें तेज़ी आगे और कितनी देखने को मिलेगी, इसके ऊपर हम आज पूरी बात करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों, बारिश गिरने की वजह से हमें चने के भाव में यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि चने में हमें अब हार्वेस्टिंग में भी यहाँ पर थोड़ी लेट देखने को मिलेगी। साथ ही अब आवके भी हमें यहाँ पर जो मंडियों में है बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं, तो इसी के चलते जो डिमांड है वो भी हमें यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो अब हमें धीरे धीरे यहाँ पर जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। लगभग आज हमें यहाँ पर चने में 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है इंदौर मंडी में। लगभग किसान भाइयों, कल चना लगभग 4,900 रुपये तक कांटा चना में ऊपर में देखने को मिला था, लेकिन आज वही चना आज हमें लगभग 5,100 रुपये तक देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें चने में 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। डालर चने में भी हमें कल लगभग मंदी देखने को मिली थी, लेकिन आज हमें यहाँ पर 300 रुपये की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। 9,300 रुपये तक हमें यहाँ पर डालर चना ऊपर में बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, धीरे धीरे अब हमें चने में तेज़ी देखने को मिल रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो लगभग देसी चना 7,000 तक भी बिक सकता है। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।